हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो टाकोज, और इसे हम बनाएंगे बची हुई रोटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो टाकोज बनाने के लिए गैस पे मैंने एक पैन रखा है। इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 3 हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है, बारीक कट करके डाला है। मिक्स करके दोनों चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं कुक करना है। अब इसमें हम डाल देंगे मैश किया हुआ आलू। तो यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉयल करके पील कर दिया और इसे हाथों से मैश करके लिया है। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, इस पर हम रखेंगे एक रोटी। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट ओवर रोटी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश रोटी भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बची हुई रोटी का इस्तेमाल किया है। रोटी के ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल दिया है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे स्टफिंग जो अभी हमने बना के रखा था। 2 टेबल स्पून भर करके डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, बट मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग डाल दिया है अच्छे से। अब इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और हल्का हल्का इसे प्रेस कर देंगे। तो देख लिया ना आपने, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। अब बस इसे हमें सेक लेना है। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी टाकोस को भी बना करके रेडी कर लेते हैं। फिर एक साथ हम सारे टाकोस को सेक लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 5 टाकोस बना करके रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे सेकने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे सेम पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे डाल देते हैं। तो एक बार में 3 टाकोज इजीली आ जाएगा। 3 टाकोज को एक बार में हम सेक लेते हैं। अब फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से ऑयल लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो दूसरे साइड से भी ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। तो इसे सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम फ्लिप कर देंगे। तो देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब दूसरे साइड से भी लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। तो अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेक चुका है। देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम नीचे साइड से सेकेंगे। तो पहले हम इसे एक साथ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से चिमटा से होल्ड करके ऐसे रखेंगे, नहीं तो ये गिर जाएगा ऐसे साइड से। और इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। तो ये देखिए नीचे साइड से भी ये बहुत अच्छे से सेक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से मैंने बाकी बचे टाकोज को भी सेक लिए हैं और इसे गर्मा गर्म मैंने सर्व कर लिए हैं। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बना है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।